परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, सदगुरु के एक साक्षी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। सदगुरु कबीर की प्रसिद्ध साखी है और ये साखी पाठशालाओं में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ये साखी में इतना रस भरा हुआ है, यदि एक साखी के अनुसार से जीवन को बदल दे तो जीने का तरीका और अंदाज बदल जाएगा। सदगुरु कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। ये लोगों, ऐसे वाणी का प्रयोग करना कि मन का आपक, मन का अहंकार खत्म हो जाए, औरन को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। औरों को शीतल करे और आप भी शीतल, औरों को ठंडकता महसूस हो, औरों को अच्छा लगे, और लोगों को प्रेम का वर्ताव लगे और आपको भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बोलना। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपने जीवन में ऐसे वाणी का प्रयोग कर पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में ऐसी मीठी वाणी बोलते हैं जिसकी वजह से हमको खुद आत्मा शांति महसूस होती है? अपने आप से प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा, हम अपने जीवन में बहुत सारे व्यर्थ बातें कर देते हैं। एक दिन के घटना में, एक दिन के व्यवहार में आप गुणनवाद करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा मैंने 80% फिजूल बातें की, जो बातें नहीं करता तो भी समाधान हो सकता था। 80% आज हमारे कोल्टा में जितने केसेस चल रहे हैं, जितना केस चल रहा है, उसमें से क्या लड़ाई है? वो किस चीज की लड़ाई है? जमीन की, जायदाद की, धन दौलत की, गाड़ी घोड़े की, इसकी तो लड़ाई है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई है इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा। 80% लड़ाई है जो बात की लड़ाई है। बोलने पर संयम और नहीं बोलने, बोलने पर संयम नहीं होने से जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक यदि बोलने की कला सीख लेते हैं आप, तो आप जीवन जीने की कला सीख लेंगे, और बोलने की कला नहीं सीखे तो जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते हैं आप। आपका जीवन बीत गया, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल हो जाता है, लेकिन बोलने की कला नहीं आती है। आपस में कैसे बात करना है तमीज नहीं होती है, बड़ों से सम्मान से कैसे बात करना है तमीज नहीं आ पाती है, और हम सत्संगी बन जाते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं। आपस में पति पत्नी रहते रहते 20 साल 30 साल 40 साल हो जाता है और आपस में लड़ते झगड़ते जीवन को काट देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्या समझ गए बोलने की कला? नहीं समझ पाए। पति और पत्नी में कैसे बात करना है ये तमीज नहीं आया, तो दूसरों से बात करने की कौन सी तमीज आ जाएगी? बात करते हैं तो लगता है कुछ बहुत बड़ा घटना घट गई है, ऐसे तिलमिला करके शब्द बोलते हैं। आपस में भाई और भाई ऐसे बोलते हैं, देरान जेठान ऐसे बोलते हैं, सास बहू ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि घर में एक हाहाकार मचा देता है। शब्द को संहार करके बोलिए। सदगुरु कहते हैं, शब्द को ऐसी वाणी से, ऐसे वाणी का प्रयोग करिए जो मीठा हो और औरों को शीतल करे, आपको भी शीतल महसूस हो। सदरु और भी कहते हैं, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द एक ऐसा माध्यम है, शब्द को यदि सावधानी से नहीं बोला गया तो जीवन को बर्बाद कर देगा। शब्द ही एक ऐसा माध्यम है, हमारा जीवन ज्यादा बर्बाद होता है असंयम से, अशब्द बोलने से। कोई आदमी बहुत खाने वाला हो तो कहेंगे ये पेटू है, बहुत खाता है, लेकिन उसमें नुकसान किसका होगा? खुद का नुकसान करेगा। लेकिन कोई आदमी अधिक बोलता है, बड़बड़ कर करके बोलता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो अपना तो नुकसान करता है, साथ साथ सब लोगों का नुकसान करता है। इसलिए शब्दों को संहार करके बोलिए। आपके बच्चे ही आपको सम्मान नहीं देंगे यदि शब्द सही ढंग से बोलने की तरीका नहीं जाने ना। आपने बच्चे को गाड़ी दे दे, घोड़े दे, मकान दे, धन दे, दौलत दे, परिवार सब कुछ आपने दिया बच्चे को, और बोलने की तमीज आपको नहीं आई ना, आपके बच्चे ही आपसे सम्मान से बात नहीं करेंगे।
आपके माँ बाप ही आपसे बात नहीं करेंगे, ये लड़का बेकार हो गया है, इनको बोलने की तमीज नहीं है, यही अभी तक इतना साल हो गया है। यदि आपकी बहू है और आप सही ढंग से नहीं बोलते हैं ना, तो आपके बहू आपसे दूर चले जाएंगे। आपकी ही बेटी है, आपसे दूर चले जाएंगे। और अब आपके ही सास ससुर है, यदि बोलने की तमीज नहीं आई तो जीवन में आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बोलने की कला कह रहा हूं मैं, जीवन जीने की कला तो अलग चीज है। यदि बोलने की कला आपके जीवन में आ जाए तो जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। सदगुरु कहते हैं आपो औरन को शीतल करे, आपो ही शीतल होए। कैसे, उदाहरण से बताऊं मैं, यदि आप खुद शीतल होते हैं तो औरों को भी शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे आपने एक बर्फ का पोटली लिया, एक बर्फ लिया और बर्फ लेकर के आप एक पात्र में रखते हैं तो क्या होता है, बर्फ खुद ठंडा होता है, अपने आप में शीतल होता है बर्फ, लेकिन पात्र में रखने मात्र से वो पात्र को भी ठंडा कर देता है। इतना ही नहीं, जिस जगह को रखते हैं उस आभा मंडल को ठंडा कर देता है। वैसे ही आपके जीवन के साथ में होता है। यदि आप प्रेम से बोलना सीख जाते हैं, मीठा बोलना सीख जाते हैं, तो आपके चाहते हो जाते हैं, आपके माँ बाप चाहते हो जाते हैं, आपके बच्चे आपके प्रिय हो जाते हैं। बस आप कहीं से आते हैं दौड़ करके, आपके नाती पोते बेटे सब आ करके प्रणाम करते हैं, आपके गले लगते हैं, आपके नजदीक करीब आ जाते हैं। और बोलने की कला नहीं आई, बोलने की तमीज नहीं आई, तो आपसे दूर चले जाते हैं। एक जज साहब थे, जज साहब जब भी अपने घर में जाते तो अपने रोब के साथ रहते थे। एक बार हुआ क्या, वो घर में थे और घर में थे संयोग से उनके मित्र आ गए। मित्र उनके घर में थे और वो बाहर थे जब गए तब, और उनकी मित्र के साथ में, जज साहब के मित्र के साथ में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग बड़े हंस हंस के मुस्कुरा करके बात कर रहे थे। जज साहब के पत्नी के बच्चे उनके मित्र के साथ में बड़े आनंद से बात कर रहे थे। जैसे ही जज साहब आते हैं, उनके बच्चे, उनके पत्नी, उनके घर के सदस्य सब के सब अपने कमरे में घुस जाते हैं अंदर। इतने में पूछते हैं जज साहब, क्या बात है, आपके आते ही आपके बच्चे अंदर चले गए, अभी तक तो अच्छा से बात कर रहे थे, हंस हंस कर बात कर रहे थे, क्या बात है कि सब अंदर घुस गए। इतना में जज साहब बोलते हैं, किसी का मजाल है जो मेरे सामने आकर के बात करे। जज साहब बोलते हैं, किसी की मजाल है जो मेरे सामने आकर के बात कर सके, किसी में इतना हिम्मत है। उनके मित्र बोलते हैं, जज साहब मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये अपना जजपना घर में छोड़ करके, अपने जजपना जज में ही कोर्ट में ही छोड़ करके आया करे, ये जजपना घर में शोभा नहीं देता है, ये कोर्ट नहीं है, ये आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके पत्नी हैं, आपके माँ बाप है, उनको प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, ये जजपना हकड़ाईपना नहीं चाहिए, ये जीवन को बर्बाद कर देता है। इतने में उनकी पत्नी वहां से कहती है, उनको हिम्मत होती है, भाई साहब अपने मित्र को ठीक से समझा दीजिए कि अपना जजपना दूर ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। क्या आप अपने जीवन में यही से तो नहीं करते हैं? आपने सब कुछ दिया परिवार को और संपत्ति दिया, सब कुछ दिया, और मात्र बोलने की कला नहीं आई, तमीज नहीं आई, तो जीवन तो बेकार चला जाएगा। बोलने की कला सीखिए। सदगुरु कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरों को शीतलता प्रदान करे ऐसे शब्द बोलिए। आपके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़े नहीं है, ज्यादा बड़ा मकान नहीं है, कम से कम आपके यहाँ कोई आते हैं, आपके घर के बच्चे हैं, मीठे वाणी से तो बात कर सकते हैं। और आप मीठे वाणी का भी प्रयोग नहीं कर सकते तो आपसे दरिद्र आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आपके पास कितने बिल्डिंगे हैं, कितने गाड़ी हैं, कितने मकान हैं, इसका महत्व नहीं है। आप कितना प्यार से बात करते हैं, इसका महत्व है। आपके पास सब कुछ है और प्यार से बोलने की कला नहीं आई तो आपसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? आपके बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो आपसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? आपने बोलने की कला नहीं सीखी, कौन सी कला मिल गई? आपके पास में डिग्रियां हैं, हासिल है, कॉलेज की हैं, प्रोफेसर हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास में, और बोलने की कला नहीं है तो क्या मतलब है इन चीजों का?
ये चीज सिर्फ अहंकार का कारण हो जाता है और अहंकार किसी का विकास नहीं कर सकता है। अहंकार पतन का कारण होता है, अहंकार बर्बादी का कारण होता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। मन का आपक होए, आपक मतलब होता है अहंकार। ऐ लोगों अहंकार को खत्म कर दो। सद्गुरु की वाणी यही संदेश दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस भगवान के पास जाइए, इस देवता के पास जाइए, इस गुरु के पास जाइए, उस गुरु के पास जाइए। ये सद्गुरु कबीर का मंच है जहाँ आपको अपने जीवन को सुधारने की बात कहते हैं, जहाँ सिर्फ आपको अपने आप से जोड़ना है। सिर्फ सत्संग का मतलब यही होता है जीवन परिवर्तन केंद्र। यदि आपने सत्संग किया और जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाया तो एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दिए। जीवन को सुंदर बनाइए। प्रेम से बोलने की कला ये बहुत बेहतरीन कला है। एक घटना आपको बताऊं मैं, एक कहानी है। एक शेर जंगल में रहता था। एक ब्राह्मण व्यक्ति, आप लोग बात ध्यान इधर दे तो बोलने में कुछ अच्छा लगेगा। आप लोग दूर चले जाइए, वहां पर जो लोग हैं बात कर रहे हो, लोग दूर चले जाएं। आइए बोलिए सद्गुरुदेव की। एक ब्राह्मण अपने घर की गरीबी से आजीज आ गया था। उनके घर में न भोजन था, करने के लिए अन्न नहीं थे, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं थे, मकान भी जर्जर अवस्था थी। उनको अपनी जिंदगी से इतना आजीज आ गया था। एक दिन वो सोचता है अब जीना नहीं है, वो जंगल की ओर निकलता है। जंगल की ओर निकलता है तो वहां एक जंगल में चला जाता है जहां सुनसान जंगल, जहां शेर रहता था। एक घटना नहीं है, कहानी है। ये जीवन को संबोधित करता है। शेर रहता था और वहीं पर जाकर के बैठ गया जहां पर शेर था। शेर उनसे प्रश्न करता है, पूरी दुनिया के लोग और जहां तक मनुष्य ही नहीं अन्य प्राणी भी मेरे से डरते हैं, तुमको क्या मेरे से डर नहीं है, मौत का डर नहीं लगता है? वो शेर कहता है मौत से डर नहीं लगता है। ब्राह्मण कहता है मौत से भला क्यों डरूं मैं, वही जिंदगी से मैं आजीज आ गया हूँ, अब मेरा जीने का मन नहीं करता है, इसलिए मरने के लिए ही मैं यहाँ जंगल में आया हूँ और इसलिए मुझे मौत से डर नहीं है। शेर कहता है आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो, मरना क्यों चाहते हो? ब्राह्मण कहते हैं मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर में एक तंगी स्थिति आ गई है, मेरे जीने का समाधान नहीं हो रहा है। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, रहने के लिए ठीक से मकान नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। कहते हैं शेर तुम एक काम करो, मैं जो कह रहा हूँ वही करते जाना, वही करते जाना। तुम यहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके पीछे खोदना, वहां से तुमको सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा और उसको बेच करके अपना जीवन यापन करना। वो आदमी वही करता है, सोना चांदी बेचता है, अपना जीवन यापन करता है, मकान बनाता है, सुंदर घर का निर्माण करता है, फिर संपत्ति कम हो जाने पर फिर आता है। ब्राह्मण फिर वही चीज दोहराता है, तुम यहाँ खोदो वहां तुमको संपत्ति मिलेगी। तीसरे बार जब ब्राह्मण आता है तो वहां पर शेर नहीं था, एक आदमी बैठा हुआ था। एक आदमी बैठा हुआ था, आदमी से पूछता है यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो शेर रहता था, आज वो शेर कहाँ चला गया? वो व्यक्ति कहते हैं आखिर शेर से तुमको क्या वास्ता है, शेर से क्या लेना देना है? ब्राह्मण कहता है वो शेर मुझे सोना देता था, मेरे जीवन यापन का समाधान होता था। व्यक्ति कहते हैं भला शेर तुमको क्यों सोना देगा? ब्राह्मण कहता है शेर जानवर है, उनके पास उतनी बुद्धि कहाँ है, मुझे सोना देता था, मैं खोद करके ले जाता था, जहां बताते थे वहां से मुझे सोना मिल जाता था। इतना में ब्राह्मण गरजते हुए वहां से निकलता है पेड़ के पीछे से। ब्राह्मण शेर को देख करके उनको खून सूख जाता है, खून सूख जाता है। और शेर कहता है हे ब्राह्मण तुमको इतनी भी बुद्धि ना आई, तुम्हारी जीवन यापन का समाधान मैंने किया, तुम्हारे लिए सब कुछ लाया, संपत्ति दिया और तुम्हारा जीवन अच्छा से चल रहा है, लेकिन तुमको बोलने की तमीज नहीं आई, तुमने जानवर कहा। आज मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी नहीं लाया हूँ, तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी लाया हूँ।
जो मैं कहता हूं वही करो, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। और कुल्हाड़ी लो और मेरे पीठ पर जोर से जंप लगाना, जोर से चाबुक लगाना ताकि मेरे पीठ कट जाए। वो ब्राह्मण वही करता, मरता बेचारा क्या करता, जोर से मारा और खूना खून हो गया शेर। कहते हैं 15 दिन बाद मिलना। 15 दिन बाद आता है, ब्राह्मण से मिलता है, ब्राह्मण शेर से मिलता है। शेर कहता है देखो जो तुमने चोट मारी थी वो ठीक हुआ कि नहीं। ब्राह्मण देख करके खुश हो जाता है, कहते हैं ठीक हो गया महाराज जी। शेर कहता है तुमने जो शरीर में चोभन लगाई थी, चोट मारी थी, वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो तूने शब्द कहे थे जानवर है, वो शब्द आज भी मेरे दिल दिमाग में चुभ रहे हैं। आत्मीय बंधुओं कहने का मतलब इतना ही है, आप ऐसे वाणी का प्रयोग करिए कि मीठा वाणी का प्रयोग हो, आपके जीवन का एक नए सूत्र मिल जाए। आप इस सत्संग पंडाल से जाने के बाद में आप सूत्र लेकर के जाइए, आप मुझे अब मीठा बोलना है, मुझे अब दानी बनना है, प्रेम की दानी बनना है, मीठे शब्दों की दानी बनना है। और इतना ही आप सत्संग में नहीं कर पाए तो क्या सीखिए आप सत्संग से। मैंने देखा है 70-80 साल हो जाता है, बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है लोगों की, लेकिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को नहीं संभाल पाते हैं, जीवन की यथा बर्बाद हो जाती है। अपने बेशकीमती समय को, आज सुंदर शरीर मिला है, सुंदर तन मिला है, आंख से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये चीज नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं सुन सकते, ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते, सत्संग में नहीं आ सकते, अपाहिज है, गरीब है, शरीर से कमजोर है। आप कौन सी कमजोरी है आपके पास? इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करिए, मीठे वाणी बोलिए और मीठे वाणी बोल करके अपने जीवन को ऊपर उठाइए। जितना ही आप मीठा वाणी बोलते हैं उतना ही आप मीठे हो जाते हैं। और मीठा सबको पसंद है, मीठा किसको पसंद नहीं है, मीठा आदमी सबको पसंद है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए और ऐसे वाणी का प्रयोग करिए जिससे जीवन आपका सुंदर बने। और इसी सुंदर जीवन का निर्माण ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे भारत देश में 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। पूरी महाभारत युद्ध एक शब्द असंयम के कारण, और रामायण भी सीता हरी जाती है असंयम के कारण। वो कभी अवसर रहा तो फिर बताएंगे। इसलिए आप सब लोग ऐसे महाभारत मत करिए, ऐसे रामायण मत लिखिए कि जीवन बर्बाद हो जाए। मैंने आप सबके बीच में सद्गुरु कबीर की एक साखी कही, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।